फडणवीस के घर जाकर अजित पवार ने की मुलाकात। दो घंटे चली मीटिंग में छगन भुजबल प्रफुल्ल पटेल के साथ स्पीकर भी मौजूद रहे। 5 जुलाई को अजित पवार ने बड़ी मीटिंग बुलाई। सुबह 11 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई। सांसदों और एमएलसी को भी तलब किया गया। मुंबई में अजित पवार के आवास पर एनसीपी नेताओं की बैठक। समर्थकों ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत। प्रफुल्ल पटेल ने कहा पूरी पार्टी हमारे साथ। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा लिखा। अजित के साथ शरद पवार का भी लगाया गया फोटो। देवगिरी में बोले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी का सिंबल और नाम। अजित पवार के साथ रहेगा। शरद पवार ही मेरे गुरु। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का बयान। विजय वडेट्टीवार बोले संख्या बल के आधार पर होगा निर्णय। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। कहा पार्टी की कल होगी बैठक। जिसके सबसे ज्यादा विधायक उसके पास नेता विपक्ष का पद। नेता विपक्ष को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बयान। कहा रूल रेगुलेशन के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र के कराड़ में शरद पवार पूर्व सीएम यशवंत राव चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद समर्थकों को किया गया संबोधित। कराड़ रैली में बोले शरद पवार हम उद्धव ठाकरे की अगुवाई में कर रहे थे महाराष्ट्र की सेवा। कुछ लोगों ने गिरा दी सरकार। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। शरद पवार का इशारों में बीजेपी पर अटैक। कहा महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की गई। पुणे में सतारा के बीच शरद पवार का कई जगहों पर स्वागत। खेड़ सिंहपुर टोल प्लाजा पर लोगों ने माला पहनाई। मुंबई में एनसीपी दफ्तर पहुंची सुप्रिया सुले। जयंत पाटिल भी मौजूद। कहा वापस आने वालों के लिए खुले दरवाजे। शरद पवार गुट ने पार्टी नेताओं के लिए जारी किया शपथ पत्र का फॉर्मेट। शरद पवार को बिना शर्त समर्थन देने की लिखी बात। शरद पवार के परपोते रोहित पवार का बयान। अगर एनसीपी में होते अजीत पवार तो सीएम पद के उम्मीदवार होते। पुणे एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कार्यकर्ताओं को बताया शरद पवार के साथ। कहा उनको फोन पर समर्थन के लिए निश्चिंत किया। अजित पवार के शपथ ग्रहण में शामिल सांसद अमोल कोले का यूटर्न। वीडियो ट्वीट कर लिखा मैं शरद पवार के साथ। एनसीपी टूट पर बोले राज ठाकरे पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र की राजनीति होती जा रही है संदिग्ध। कौन किसका दुश्मन पता नहीं चल रहा। जयंत पाटिल के दावे पर बोले औहाड़ विधायकों को दिए अल्टीमेटम के बारे में जानकारी नहीं लेकिन पार्टी पूरी तरह शरद पवार के साथ। बीजेपी पर एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का तंज। कहा जिन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप उन्हीं के साथ बनाई सरकार।